हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे SGR DUHS GNM के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना, आपको इसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, मेरिट लिस्ट कभी रिलीज़ होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो उसे कैसे सर्च करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है SGR DUHS GNM 2021 और आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको SGR DUHS के रिगार्डिंग HS के रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है IASpaper.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आप IAS पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको मिलेगा SGR DUHS GNM 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन, सारी जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है SGR DUHS GNM 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, उससे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज सून, उससे पहले आपके सामने ये जो फॉर्म आया उसे फिल कर लेना। आपका यहाँ पे आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो, आप कौन से स्टेट के हैं, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, जहाँ भी रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका सिटी क्या है, आपका सिटी जो भी करंट सिटी रहेगा उस सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किस कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंजीनियरिंग BTech MTech, मैनेजमेंट BBA MBA, डिजिटल लर्निंग MBA, BCA MCA कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया फिल्म, जर्नल, लॉ, साइंस, BSc MSc, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा उसे सेलेक्ट कर लेना। आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा यहाँ पे 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर PG, आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, SGR DUHS के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू या आपके जीमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा था एप्लीकेशन रिलीज सून, इसका एप्लीकेशन जल्दी रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे दिखा हुआ SGR DUHS GNM 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून, द लिंक विल बी प्रोवाइड हियर, आपका जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस हैज बीन अवेलेबल, इसका प्रोफेक्शन जो है प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हो चुका है, उसे जाके चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है, पिछले साल के सारे डॉक्यूमेंट आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इवेंट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट और इम्पोर्टेंट इवेंट जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इवेंट्स दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया हुआ है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, आपको सभी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। वैसे एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको एप्लीकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ही आप फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आपका इंस्ट्रक्शन मेंशन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से फिल कर लेना। आपको इंस्ट्रक्शन में क्या क्या फिल कर लेना है, जैसे आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, आपको पर्सनल डिटेल, आपका जो पर्सनल डिटेल रहेगा उसे फिल कर लेना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल मतलब आप 10th कहाँ से किए, 12th कहाँ से किए, 10th का बोर्ड कहाँ से आपने दिया था, 12th का बोर्ड कौन सा था, सभी जानकारी आपको सभी चीज़ यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद ये कोर्स, आप GNM कोर्स रिलेटेड आपको डिटेल फिल कर लेना। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड पेरेंट डिटेल फिल कर लेना। आपको फर्दर डिटेल आपको फिल कर लेना अच्छे से। सारे डिटेल फिल करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी फॉर्मेट मेंशन रहेगा वहाँ पे उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको डिटेल मेंशन कर देना, डिटेल फिल कर लेना। उसके बाद आपको फोटो, अपना इमेज, फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, क्वालिफिकेशन, साइज, फॉर्मेट, मेंशन, द ऑथोराइज वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, आपको ऑथोराइज वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी पे जो भी फॉर्मेट मेंशन रहेगा उस फॉर्मेट में ही आपको करना है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया उसे एकदम करेक्टली फिल करना है। आपको एप्लीकेशन आर टोल्ड टू टेक प्रिंट आउट, आप
जो एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है, कंप्लीट फील्ड अगर कंप्लीट आपने फिल कर दिया तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। उसके बाद पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ी, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन फ़ी जो होता है, उसे आपको ड्यू डेट जो नोटिफाई का आपको आएगा, नोटिस आएगा ड्यू डेट से पहले ही आपको पे करना है उसका एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपको ड्यू डेट से पहले पे करना है। एप्लीकेशन फ़ी आप कैसे पे कर सकते हैं, यहाँ पे डायमंड ड्राफ्ट दिया हुआ DD के थ्रू आप 2000 है जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है उसे पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ऑफ श्री अमृतसर, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आप SGRDUHSGNM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ कैंडिडेट मोस्ट ऑफ द पासेस सीनियर सेकेंडरी, आपका जो सीनियर सेकेंडरी पार्ट टू है 10+2 जो है एग्जामिनेशन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आपको पास रहना चाहिए, उधर बोर्ड अदर बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ, मतलब आपका 12th कंप्लीट रहना चाहिए, पंजाब बोर्ड रहे या कोई भी बोर्ड रहे चलेगा। वहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट पास से सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ, साइंस सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो कंपलसरी सब्जेक्ट दिया हुआ है। आपका 12th एग्जाम विल बी नॉट पास लेस देन 40%, आपका जो एग्ज़ाम है वो नॉट बीन 40%, आपका पासिंग मार्क्स जो है 40% से कम नहीं रहना चाहिए। तो द कैंडिडेट ऑफ अदर स्ट्रीम जो साइंस और कॉमर्स, कॉमर्स और आर्ट्स से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कैंडिडेट स्टूडेंट पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, जो पंजाबी और टू मैट्रिक स्टैंडर्ड रहेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट कंप्लीट द एज, आपका कंप्लीट एज 17 से ऊपर रहना चाहिए, बट कंप्लीट 35, आपका 35 के ऊपर नहीं रहना चाहिए। डेट टिल 31 दिसंबर 2021, आपका 31 दिसंबर 2021 के रिकॉर्डिंग आपका जो एज है 17 पूरा रहना चाहिए और 35 से ऊपर नहीं रहना चाहिए। अ कैंडिडेट डोमेसाइल, आपका डोमेसाइल लगेगा स्टेट पंजाब का, पंजाब स्टेट का आपको डोमेसाइल लगेगा। शैल बी मेडिकली फिट, आपको मेडिकली फिट रहना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं GNM के लिए तो आपको मेडिकली फिट रहना है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है आपका 10+2 के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा, आपको मेरिट लिस्ट के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। आपका 10+2 जो कंप्लीट रहेगा मेडिकल स्ट्रीम तो नॉन मेडिकल कॉमर्स और आर्ट सभी का 12th के बेसिस में रहेगा आपका। ये देखो सिलेक्शन कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट फी विद इन 27 आवर, अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको फ़ी भर देना 27 आवर के पहले। सिलेक्शन लिस्ट बिंग डिस्प्ले ऑन कॉलेज नोटिस, कॉलेज नोटिस पे आपको डिस्प्ले होगा वो सिलेक्शन लिस्ट जो भी सिलेक्शन होंगे। नेक्स्ट ड्यूरेशन कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में रहेगा आपका। काउंसलिंग, काउंसलिंग स्टार्ट होएगा आपका, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा। द सिलेक्शन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी डेयर, काउंसलिंग फेल्ड विच विच द सीट विल बी ऑफर्ड, ऑफर्ड जो होएगा सेल काउंसलिंग में वो आपको फिल करना है। मोस्ट इंटरेक्शन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द एडमिशन एडमिट स्टूडेंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रैक्टिकल इंट्रेंस टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा आपको GNM एडमिशन के लिए। प्रोसेस डिफरेंट अक्रॉस कॉलेज, आपको डिफरेंट कॉलेज में जाके इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा आपको। उम्मीद है आपको सारी जानकारी इस पेज में मिल गई रहेगी, जैसे कि मैंने बताया था आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया जाएगा इस पेज में, डेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन कैसे होगा आपका सभी जानकारी मिल गई रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।